नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रेशमी विद्यांत आज मैं आपके सामने मेथी दलिया की रेसिपी बनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। ये रेसिपी जितना टेस्टी लगेगा उतना बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेथी 250 ग्राम, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हींग 1/4 टीस्पून, सरसों का तेल 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, दलिया 3 टेबलस्पून, गुनगुना गरम पानी आवश्यकता अनुसार। अब आप दलिया में आवश्यकता अनुसार पानी डालिए और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। दो घंटे बाद कढ़ाई में तेल डालें और गरम कर लें। तेल गरम हो जाने के बाद एक एक करके अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालें। दलिया का पानी हटा दें और फूले हुए दलिया को डालें और मेथी डालें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से 2 मिनट तक फ्राई करें। दो मिनट बाद इसमें एक एक करके लाल मिर्च पाउडर डालें, नमक डालें, हल्दी पाउडर डालें, हींग डालें और 1/2 ग्लास गर्म पानी डालें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिला लें और फिर लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए ढक दें। 10 मिनट हो चुका है, अब दलिया को थोड़ा चला लें। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं 1/2 ग्लास के लगभग गर्म पानी डाल दे रही हूँ और फिर अच्छे तरीके से चला के लो फ्लेम में ढक के रख दे रही हूँ। 10 मिनट हो चुका है, अब मैं मेथी दलिया को चेक कर ले रही हूँ कि ये अच्छे तरीके से पके हैं कि नहीं। मेथी दलिया अच्छे तरीके से पक चुके हैं, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। आपके सामने मेथी दलिया बनके तैयार है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।